सिद्धार्थनगर जिले में उसका थाने की पुलिस एवं एसओजी की टीम को संयुक्त सफलता मिली। संयुक्त टीम ने लूट की घटना का खुलासा किया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनंद ने किया। पुलिस के अनुसार 5-6 जुलाई की रात को उसका थाना क्षेत्र के चौबाहे पुल पर एक लूट हुई, जिसमें एक व्यक्ति से सोने की चैन एवं मोबाइल की लूट हुई थी, जिसको लेकर उसका थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लूट की जांच एवं कार्यवाही में जुट गई थी और पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ा गया और लूट का खुलासा किया गया। पकड़े गए लुटेरों में से एक नाबालिग, दूसरा 21 वर्ष का नवयुवक। लुटेरों के पास से एक मोटरसाइकिल, लूट का मोबाइल, लूट के 3,250 रुपये एवं 4 मोबाइल बरामद हुए। पूरा घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। ये 5/6 जून की रात्रि को एक व्यक्ति ने बताया था कि वो थाना उसका बाजार क्षेत्र अंतर्गत अपने निर्माणाधीन मकान के बाहर लेटा हुआ था, तो वहाँ से 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसका मोबाइल छीन लिया और चेन छीन के भाग गए। इसमें थाने द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें बीच में की जा रही थी, उसमें आज सराहनीय कार्य करते हुए एसओजी और सर्वेलांस टीम ने इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से वो जो टूटा हुआ मोबाइल है वो बरामद किया गया, साथ ही 4 अन्य मोबाइल भी इससे बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी उसे भी बरामद किया गया, साथ ही 3,250 रुपये की बरामदगी की गई। इसमें अभी जानकारी की जा रही है कि इनके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में अभी तक अन्य अपराध के बारे में जानकारी नहीं है। इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि कार्रवाई होगी। इसमें देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।